महाराष्ट्र के कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में आज अकोला शहर में किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद का समर्थन देते हुए रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस बंद को अकोला में प्रतिसाद नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर आगामी महानगर पालिका चुनाव दमदार वापसी के संकेत दिए। कल पत्रकार परिषद में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी समर्थन की जानकारी नाना पटोले ने दी थी, लेकिन आज वह दोनों ही पार्टी इस भारत बंद से दूर नजर आए, जिसका साफ संकेत आगामी महानगर पालिका चुनाव में एकला चलो रे की नीति पर तीनों ही राज्य की अघाड़ी सरकार की पार्टियां आदेश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महानगर पालिका में 3 सदस्य पर बाघ पद्धति के चुनाव की घोषणा हुई है, जिस पर कई राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। जानकारी का सीधा सीधा फायदा भाजपा को दे रहे हैं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा पद्धति का किसको कितना फायदा होता है। महाराष्ट्र में भी सब तरफ आज केंद्र सरकार के विरोध में जो किसान विरोधी जो उनकी पॉलिसी है, कामगार विरोधी पॉलिसी है, बेरोजगार लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाली व्यवस्था के विरोध में और महंगाई बढ़ाने वाली व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने बनाई है, उसके विरोध में पूरे देश में आज बंद का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के हर जगह आज इसको बड़े पैमाने में प्रतिसाद मिल रहा है।